ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही लगातार अघोषित बिजली कटौती से क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अघोषित विद्युत कटौती तत्काल बंद करने तथा शहरवासियों को प्रतिदिन शुद्ध जल उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खाचरौद द्वारा धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी खाचरौद व सहायक यंत्री बिजली विभाग खाचरौद को सौंपे गए। गुर्जर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि भीषण गर्मी के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 12 घंटे लगातार कटौती की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी विवाह मुंडन संस्कार व अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती के कारण होने वाले कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही पीने का पानी शहरवासियों को एक दिन छोड़कर गंदा व मटमैला पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जबकि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शहर में करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है, फिर भी शुद्ध जल नगरपालिका उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिसके फलस्वरूप शहरवासियों को गंदा व मटमैला पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। गुर्जर का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली अन्य प्रदेशों को बेचने के कारण मध्य प्रदेश की जनता को अघोषित विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निजी कंपनियों से किए गए अनुबंध के अनुसार भी बिजली नहीं ले रहे, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। गुर्जर ने बताया कि प्रदेश सरकार कह रही है कि हमारे पास भरपूर बिजली है, फिर प्रदेश में बिजली संकट क्यों है? प्रदेश सरकार अन्य सरकारों को बिजली बेचकर भारी मुनाफा कमा रही है। तक की स्थिति है और जो बिजली कटौती लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा की जा रही है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है हमारे पास सरप्लस बिजली है, वहीं लगातार किसानों की ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे किसानों इस गर्मी के मौसम में की जा रही है, जिससे किसानों की हालत गर्मी काफ़ी ख़राब है। और क्योंकि इसी बिजली कटौती से पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों को पीने के पानी की भी समस्या है, और एक प्रकार से गर्मी में जो जो कठिनाई आती है वो आम जनता को महसूस होती है। तो एक बार पुनः प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कमलनाथ जी के आह्वान पर पूरे हमने आज धरना प्रदर्शन किया है, उसमें हमारे नागदा खाचो क्षेत्र के जो मटमैला पानी सप्लाई किया है उसका भी हम मुद्दा हमने इसमें सम्मिलित किया है। 23 करोड़ की जो योजना खाचोल में लागू की गई है उसके संबंध में आपके द्वारा पूर्व में भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया था और आज दिनांक तक उसमें ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या प्रमुख कारण रहा है? जब मेरे कार्यकाल में ये 22 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी, उसके बाद में शेखावत जी आ गए, उन्होंने इस योजना में इतनी ताबड़ तोड़ करी कि जब योजना पूर्ण नहीं होती, अपूर्ण योजना का मुख्यमंत्री से उद्घाटन करा के वाहवाही लूटने का प्रयास किया था, उसके फलस्वरूप पूरी योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। आज हम देखें कि जो पानी में जो टंकी भरने का प्रावधान भी खत्म, आज भारतीय जनता पार्टी हमारी जब मोहनलाल खन्ना जी थे जब दोनों समय एक प्रतिदिन पानी सप्लाई होता था, विधायक जी हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ठेकेदार है प्रतिदिन पानी सप्लाई किया, जब से भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी तो एक दिन छोड़कर एक दिन खाचो नागदा में दोनों समय पानी सप्लाई किया जा रहा है और खाचो देख जाए वो ठेकेदार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार उनको कार्रवाई की जा रही, परंतु भ्रष्टाचार में जब नेता लिप्त है तो कौन कार्रवाई करेगा? आपके द्वारा सासवार क्षेत्र में प्रतिदिन पेयजल व्यवस्था लागू कराई थी वो भी बंद हो गई है। निश्चित रूप से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक दिन छोड़ के पानी सब, जबकि नागदा में प्रतिदिन दो टाइम पानी सप्लाई हो रहा है, ये खाचरौद की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी परिषद भेदभाव कर रही है। आगामी रूप में अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो कांग्रेस पार्टी का क्या? बिल्कुल, हम अभी आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले समय भी हम पूरी जनता को साथ लेकर